आप देख रहे हैं आज सुबह मुंबई के में गए बिहार के आईपीएस को क्वारंटीन करने के मामले को लेकर अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान सामने आया। नीतीश कुमार ने कहा है कि जो कुछ भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है और इस मसले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से वो बात करेंगे। हमारे सरकार की तरफ से डीजीपी ने पूरी सूचना दी है और वो खुद भी वहां बात करेंगे, उनके साथ जो कुछ भी हुआ है ये ठीक नहीं है, ये बातचीत करेंगे। सर वहाँ आप बात करेंगे वहाँ के सीएम से? पॉलिटिकल बात नहीं है, ये तो सीधे जो कानूनी जिम्मेवारी है बिहार पुलिस की, जो जिम्मेवारी को हम लोग ऐसी परिस्थिति में उनसे बातचीत हमारे बीच। क्या सीबीआई इंक्वायरी भी होगी सर? हमारे सरकार की तरफ से डीजीपी ने पूरी सूचना दी है और वो खुद भी वहां बात करेंगे, उनके साथ जो कुछ भी हुआ है ये ठीक नहीं है, ये बातचीत करेंगे। सर वहाँ आप बात करेंगे वहां के सीएम से? पॉलिटिकल बात नहीं है, ये तो सीधे जो कानूनी जिम्मेवारी है बिहार पुलिस की, जो जिम्मेवारी को हम लोग ऐसी परिस्थिति में उनसे बातचीत हमारे बीच। क्या सीबीआई इंक्वायरी भी होगी सर? तो सुशांत मामले को लेकर किस तरीके से दोनों राज्यों की पुलिस में ठनी हुई है, तस्वीरें देखिए। ये पटना की एसपी सिटी है जिनको भेजा गया था मुंबई, लेकिन उनके हाथ पर ठप्पा लगा दिया गया। ये वही मोहर है जिसमें उनको ये कहा गया है कि 15 दिन के लिए उनको क्वारंटीन किया जा रहा है। ये बीएमसी ने किया है और इस पर बीएमसी ने अपनी सफाई भी दी है। हालांकि यहां पर सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल जो लगातार पुलिस भी उठा रही है कि जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा। और आइए अब देखते हैं हमारी खास पेशकश, जहरीला जाम तड़पता पंजाब। जहरीला जाम तड़पता पंजाब, यह हाल है उस पंजाब का जिसको खुशहाल प्रदेश के तौर से जाना जाता है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह कि आखिर इस खुशहाल प्रदेश को नजर किसकी लग गई। हालात देखिए, तीन इलाके ऐसे तरनतारन, बटाला और अमृतसर जहां पर जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा 98 तक जा पहुंचा है। भले ही मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हों, कई अधिकारियों को वहां पर कई टीमों को लगाया गया हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये वही मुख्यमंत्री हैं जो ये कहते हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो नशे पर सबसे पहले लगाम लगाई जाएगी। लेकिन होता क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब में जहरीली शराब का कहर जारी, सौ के करीब पहुंचा मौत का आंकड़ा, अब तक 25 से ज्यादा गिरफ्तार, 4 महिलाओं में 3 जहरीली शराब की सरगना। पंजाब में जहरीली शराब मौत बन गई, बढ़ते बढ़ते मौत का आंकड़ा 98 तक पहुंच गया, जिसके और बढ़ने की आशंका है। सबसे ज्यादा मौत तरन तारण में हुई, वहीं अमृतसर और बटाला जिलों में भी जहरीली शराब जिंदगी पर भारी पड़ी। तरन तारण में 75 लोगों की मौत हुई, अमृतसर में 12 लोगों की जान चली गई, बटाला में 11 लोग अपनी जान गंवा बैठे। पंजाब पुलिस ने अब तक 25 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर नकली शराब बनाने के आरोप हैं। ये शराब जहरीली थी जिसने इतने लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। गिरफ्तार किए गए लोगों में 4 महिलाएं भी हैं, इनमें से 3 जहरीली शराब कांड की मुख्य अभियुक्त हैं। इन महिलाओं पर आरोप है कि ये कई साल से नकली शराब बेच रही हैं और अवैध शराब की दुकानें चला रही हैं। जहरीली शराब से मौत ने पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सरकार को हिला दिया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस मामले में पहले ही 13 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है, साथ ही मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। वहीं पंजाब सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तरन तारण के एक्साइज विभाग के अधिकारी मधुर भाटिया को अपनी ड्यूटी में कोताही बरतने के आरोप में नौकरी से बर्खास्त कर दिया है।
इतनी बड़ी त्रासदी के बाद पंजाब पुलिस हरकत में आई और उसने शराब का अवैध कारोबार करने वालों की धरपकड़ शुरू की। 3 जिलों में 100 से ज्यादा रेड डाली गई हैं। इस दौरान कई अवैध शराब की भट्टियों को बंद किया गया, वहीं कई आरोपी पकड़े गए। इसमें टोटल हमने 3 FIR रजिस्टर की थी, 2 तो 304 जिसमें डेथ हुई थी वो, और एक एक्साइज एक्ट की। इसमें टोटल अभी तक हमने 18 लोगों को अरेस्ट किया है। अभी इनकी सारी फर्दर इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रही है, उसमें और बंदे जो भी नॉमिनेट होंगे उनके पीछे हम लगे हुए हैं, एंड विल हम उसको जितने भी लोग इसके पीछे होंगे सभी के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जहरीली शराब पीने से बीमार हुए लोगों का कहना है कि शराब पीने के बाद ही उनकी हालत बिगड़ने लगी। तरन तारण के डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मरने वालों का आधिकारिक आंकड़ा 75 है। हालांकि उन्होंने कहा कि बीते कुछ दिनों में मृतकों का अंतिम संस्कार उनके परिजनों ने कर दिया है, उनमें से कुछ तो पोस्टमार्टम कराने के लिए भी नहीं आए। पूरा मामला बुधवार शाम को शुरू हुआ था। अधिकारियों ने कहा कि कुछ परिवार तो अपने रिश्तेदार की जहरीली शराब पीने से हुई मौत की रिपोर्ट तक दर्ज कराने आगे नहीं आ रहे हैं। पुलिस लोगों से अनुरोध कर रही है कि वो अपने परिवार के सदस्य की मौत की रिपोर्ट कराएं। पंजाब सरकार इस मामले में मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे चुकी है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इस कांड के लिए पुलिस और आबकारी विभाग को जिम्मेदार माना है। उन्होंने जहरीली शराब के उत्पादन और बिक्री पर रोक नहीं लगा पाने को शर्मनाक करार दिया है। आज तक ब्यूरो। तो पंजाब में किसान और नशा दो ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकारें बनती भी हैं और बदलती भी हैं, लेकिन हालात जस के तस रहते हैं। और इस कांड के बाद तो ये साफ दिखता है, नजर आता है, समझ में आता है कि नीयत किसकी कितनी है। उड़ता पंजाब अब जहरीली शराब के जाल में फंसकर औंधे मुंह पड़ा है। तरन तारण, अमृतसर और बटाला में 98 लोग जान गंवा चुके हैं। जिनकी जिंदगी की सांसें बच गई हैं, उनकी आंखों के सामने अंधेरा पसरा है। नकली शराब पीने के बाद अस्पतालों में भर्ती ज्यादातर मरीजों ने आंखों के सामने अंधेरा होने और कम दिखाई देने की शिकायत। जहरीली शराब से पंजाब का बेड़ा गर्क। 3 जिलों में पथरा मातम। नकली शराब के पीछे कौन? पंजाब के कई गांवों में नकली शराब बनाने और बेचने का धंधा सालों से फल फूल रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक की जांच में सामने आया है कि इस धंधे के पीछे कई महिलाएं हैं। पुलिस ने जहरीली शराब बनाने और बेचने के आरोप में 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 इस धंधे की किंग पिन मानी जा रही है। इनमें अमृतसर के मुथल की बलविंदर कौर, त्रिवेणी उर्फ प्रधान और बटाला की उसकी रिश्तेदार फौजन उर्फ दर्शन रानी मुख्य आरोपी है। इसके अलावा तरन तारण की एक महिला भी इस गोरख धंधे में शामिल बताई जा रही है, जहां नकली शराब पीने से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। पंजाब पुलिस और आबकारी विभाग की लापरवाही ने पूरे पंजाब को ऐसे भंवर में फंसा दिया है जहां आज मातम है, माओं की सूनी गोद है और अस्पताल में तड़पते लोग हैं। अमृतसर से पकड़ी गई बलविंदर कौर बीते 15 साल से पुलिस की नाक के नीचे नकली शराब बेच रही थी। लोगों के मुताबिक 50 से 70 ग्राहक रोज उससे नकली शराब खरीद कर पीते थे, लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि वो कभी भी पकड़ी नहीं गई। अब उसे IPC की धारा 304 के तहत गिरफ्तार किया गया है। उसके पति की भी नकली जहरीली शराब पीने से मौत हो चुकी है। लेकिन जरा सोचिए कि कोई महिला 15 साल तक 10 से 20 रुपए में नकली शराब बेचती रहे और पुलिस को भनक तक ना लगे, ऐसा कैसे हो सकता है। अब इतनी मौतों के बाद पंजाब पुलिस नींद से जागी है। अकाली दल ने और दूसरी पार्टियों ने बहुत लंबे अरसे से इधर हल्ला मचाया हुआ है कि पंजाब में नजायज शराब की फैक्ट्री फड़ी गई, पंजाब में नशे के वर्तारा बहुत बड़ा हो गया, और ये तो अब कमाल ही हो गया कि जो नजायज शराब, जो गलत ढंग से बनी हुई शराब, वो खुलेआम बिक रही थी। और लोग आप TV पर बोल रहे हैं रोज कि उन्होंने समय समय पर पुलिस के ये नोटिस में लिया है कि इधर नजायज शराब की तस्करी हो रही है, और उसके बावजूद भी जो नहीं किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस को राज्य में शराब बनाने वाली इकाइयों में तलाशी अभियान शुरू करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान भी किया गया है। पंजाब में नकली शराब माफिया ट्रक ड्राइवर, खेती में काम करने वाले मजदूरों और फैक्ट्रियों में छोटी छोटी नौकरी करने वालों को अपने जाल में फंसाता है।
सस्ती होने की वजह से गरीब मजदूर नकली शराब के चक्कर में फंस जाते हैं। इस बार भी ज्यादातर मरने वालों में मजदूर ही हैं। मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं अयोध्या, जहां पर राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए अनुष्ठान शुरू हो चुका है, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आज रक्षाबंधन का पवित्र दिन है और इसी दिन अब ये तस्वीरें सीधा वहां से आ रही हैं किस तरीके से अनुष्ठान शुरू हो चुका है। दोपहर में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचने वाले हैं। 5 तारीख का दिन है जब भूमि पूजन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे। इससे पहले भूमि पूजन अनुष्ठान की पहली तस्वीरें जो आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अनुष्ठान शुरू हो चुका है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे। आज दोपहर 1 बजे का वक्त है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचेंगे। हनुमानगढ़ी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 3 दिन तक ये पूजन चलेगा। अनुष्ठान शुरू हो चुका है। भूमि पूजन के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को पहुंचने वाले हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है। हनुमानगढ़ी अयोध्या की तस्वीरें, पूरी अयोध्या को पीले रंग में रंगा गया है और घर घर दिए चल रहे हैं, दिए बन रहे हैं। संजय शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस वक्त। संजय, अनुष्ठान शुरू हो चुका है अयोध्या में? अनुष्ठान शुरू हो चुका है, 3 दिवसीय अनुष्ठान है। वहाँ अभी सभी लोगों को जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। सुरक्षा व्यवस्था 2 वजहों से है। 2 तरह के आतंक जिनसे सुरक्षा की जरूरत है, एक तो कोरोना का आतंक और दूसरा कुछ ऐसे नापाक इरादे वाले लोगों का आतंक। तो उसके मद्देनजर वहाँ पर सुरक्षा के बहुत जबरदस्त इंतजाम है और 3 दिवसीय पूजा शुरू हो चुकी है, जिसमें पहले सारे तीर्थों की, सारे इन सब की पूजा होगी और ग्रहों की पूजा होगी और इसके साथ ही रामार्चा पूजा और सहस्र कमल अर्चन के साथ फिर मुख्य भूमि पूजन होगा जो 5 अगस्त को होने वाला है। राम मंदिर की भूमि पूजन कार्यक्रम के न्योते की पहली तस्वीर सामने आई है। ट्रस्ट की ओर से इकबाल अंसारी को जो न्योता भेजा गया है उसकी तस्वीर सामने आई है। न्योते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का नाम प्रमुखता से है। ये वो इनविटेशन है, निमंत्रण पत्र है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें प्रमुखता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का नाम लिखा है। राम मंदिर न्योते की ये तस्वीर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।